नमस्कार, मैं उमता जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर आज की खबर पर। भारतीय संविधान निर्माता बहुजनों की मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 126वां जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र अध्यक्ष संघर्ष समिति श्री राजू पुजारी की तरफ से 15 रुपये में राइस प्लेट दिया जाएगा। चेंबूर के वाशीनाका में ये कैंटीन चालू किया गया है, जहां पर मात्र सिर्फ 15 रुपये में पेट भर राइस प्लेट दिया जाएगा। जहां 15 रुपये में वड़ा पाव मिलता है, वही 15 रुपये में आपको राइस प्लेट के लिए देना पड़ेगा। ये एक ऐसा पहला कैंटीन है जहां आपको इतने कम कीमत पर राइस प्लेट दिया जा रहा है। संदेश नहीं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती सिर्फ अपने देश में नहीं, देश की सीमा पार करके बाहर भी बहुत जोर शोर से मनाई जा रही है। ये सभी के आनंद का एक क्षण है और ये आनंद लोग अपना प्रकट कर रहे हैं, बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। इस बार हमें बहुत आनंद इस बात का हो रहा है कि कल अमेरिका में जो अमेरिका का 14 तारीख जो है वो अपने से कुछ 5-6 घंटा पहले है, वहाँ कल जब फटाके फूटे और उसके क्लिप्स जब इंडिया में आ गए अपने जो सोशल मीडिया पे अपने यूथ रहते हैं उनके पास, तो एक बहुत बड़ा एक लहर ऐसी आ गई कि अमेरिका जैसे देश में जहां उन्हें जाने से मना किया गया था या जहां उन्हें विद्यापीठ में प्रवेश करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़े थे, वहां के लोग बाबा साहब के प्रति एक आनंद व्यक्त कर रहे हैं, उनके जयंती का आनंद व्यक्त कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात मुझे तो यही लगती है कि लोगों का एक आनंद यहाँ पे एक व्यक्त हो रहा है। ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार करने की प्रक्रिया यहाँ पे गतिमान होते जा रही है। अब बाबा साहब केवल एक जाति के नेता नहीं है, एक धर्म के नेता नहीं है, पूरे देश को बदलने की या पूरे देश में एक क्रांति लाने की, सामाजिक और आर्थिक विषमता नष्ट करने की उनकी कोशिश थी और इसका ये अभी लोगों को मालूम होने लगा है। इसलिए बाबा साहब का नेतृत्व, उनके विचार का नेतृत्व स्वीकारने की प्रक्रिया यहाँ पे गतिमान होते जा रही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति ईश्वरीय श्रद्धा व्यक्त करने के बजाय बाबा साहब अम्बेडकर के विचार एक अच्छे ढंग में लोगों के सामने, देश के सामने और पूरे दुनिया के सामने जाना चाहिए। आज मौजूद है मुंबई अध्यक्ष आरपीआई के गौतम सोनवने जी और आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। उन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजन किया गया है, आज जानते हैं उनसे कि क्या कार्यक्रम है और किस तरह से वो यहाँ पे एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के हमारे पार्टी के मुंबई के उपाध्यक्ष राजू पुजारी, वो हालांकि एक ऑर्गेनाइजेशन रिपब्लिकन पार्टी के आठवले साहब से सलाह सहकार से चलाते हैं, कर्जदार हकदार समिति, कर्जदार जमींदार हक बचाओ संघर्ष समिति उसके वो अध्यक्ष है और वो संघर्ष समिति के तरफ से आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो 126वीं जयंती पूरे देश में मना रहे हैं, इस अच्छे मौके पे उन्होंने ऐसा तय किया है कि एक कैंटीन चलाना है और पूरे मुंबई में जो यहाँ जो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर रहते हैं, कामगार लोग रहते हैं, बहुत बड़े कंपनी में काम करने वाले, तो उनको खाने का प्रॉब्लम रहता है। 15 रुपये में राइस प्लेट और 15 रुपये में खाना, ये आज जयंती के मौसम पे उन्होंने जो शुरू किया है, 15 रुपये अपना 15 रुपये में वेजिटेबल राइस प्लेट, उनका ये कैंटीन का उद्घाटन करने के लिए मेरे पार्टी के अपने तालुका अध्यक्ष महादेव साळवे, बाळा साहेब बनसोडे वार्ड अध्यक्ष बाबू जाधव, इकड़े मधुकर शिरसाट आणि ये सगळे म्हणजे आमचा नितीन मोरे, हम सब लोग या इस कैंटीन का जो बाबा साहब के जयंती के अवसर पर और जो सस्ता कैंटीन 15 रुपये में पूरा खाना और पूरा 15 रुपये में राइस प्लेट, ये अच्छे
काम का उद्घाटन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ और इस काम के लिए मैं राजू पुजारी जो हमारे रिपब्लिकन पार्टी का भी कार्यकर्ता है और एक कर्जदार जमींदार संघर्ष हकदार संघर्ष समिति का भी अध्यक्ष है उनको मैं जयंती के दिन बधाई देता हूँ। हमारे साथ में मौजूद है आरपीआई के कुछ कार्यकर्ता। यहाँ पर 15 रुपये में खाना दिया जाएगा ऐसा इन्होंने एक प्रोग्राम आयोजन किया है 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर। आइए जानते हैं असल में मुंबई का पहला ऐसा कैंटीन होगा जो 15 रुपये में खाना दिया जाएगा। आइए जानते हैं क्या प्रोग्राम का है, किस तरह का प्रोग्राम है। आज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती निमित्त 126वी जयंती है त्यानिमित्ताने आमच्या राजू पुजारी हा मुंबई प्रदेशचा उपाध्यक्ष आहे आणि संघर्ष समितीचा भी अध्यक्ष आहे। तरी ह्या माध्यमातून तो लोकांसाठी हमेशा गोरगरिबांसाठी झटत आलेला आहे आजपर्यंत आणि त्यांनी जी ही स्वस्त धान्य स्वस्त जेवण गरिबांना मिळाव ह्या उद्देशाने त्या टँकर चालक मालक आहेत रिक्षा चालक मालक आहे ह्यांना चांगल्या पद्धतीने जेवण मिळावा ह्या 15 रुपयांमध्ये साधा वडापाव येत नाही परंतु त्यांनी हिम्मत लावून ह्या गोरगरिबांसाठी त्याचा विचार करून चांगल्या पद्धतीचा रिपब्लिकन पक्षाचा चांगला कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तानं त्यांनी 15 रुपयाला जेवण स्वस्त जेवण गोरगरीब पोट भरू शकतो अशा पद्धतीचं 15 रुपयामध्ये स्वस्त जेवण त्यांनी ह्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे। संघर्ष समितीच्या माध्यमातून रिपब्लिकन पार्टीच्या माध्यमातून ह्या कार्यक्रमाला आमचे मुंबईचे अध्यक्ष बाळासाहेब बनसोडे हे सगळे उपस्थित आणि राजू पुजारी याचं मी खरोखर अभिनंदन करतो की ज्यांनी हे गोरगरिबांचा विचार करून आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त त्यांनी ज्या जे कार्यक्रमाचं जे उद्घाटन मुंबई अध्यक्ष आले ते मुंबई अध्यक्षाच्या हाताने उद्घाटन होणार आहे त्या कार्यक्रमाला आमचे बाळासाहेब बनसोडे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष आहेत आणि सगळे प्रमुख कार्यकर्ते ह्या ठिकाणी उपस्थित आहेत। वैसे तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडू में भी ऐसे स्कीम लागू है पर महाराष्ट्र में ये ऐसा पहला कैंटीन है जहाँ इतनी कम कीमतों में भरपेट खाना मिलेगा। मुख्य अतिथि अविनाश महातेकर के द्वारा पहला प्लेट बांटा गया। इसके आयोजक श्री राजू पुजारी और उन्होंने बताया कि वो ऐसा सामाजिक कार्य करते रहते हैं, आगे भी वो ऐसे कई कार्य करते रहेंगे। मुंबई से मुमताज जवेरी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन भी कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर। नमस्ते।